ओहो फिर से काम। इधर से ऊपर को फेंक दे बस। सस्ता और टिकाऊ दिहाड़ीदार हूँ मम्मी का मैं। रीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी थी सुबह से और अभी अभी मैं हॉस्पिटल से वापस आया हूँ। उनको आज भी ब्लड की एक बोतल चली और टीका लगा और अभी वो घर गए हैं। फिलहाल कल या परसों उन्होंने दोबारा ब्लड चेक करना कि उनका ब्लड अभी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। 2 यूनिट तो उनको चढ़ चुकी है बोतल और अभी मैं फिलहाल घर में आया हूँ। घर में आके देखता हूँ तो मम्मी लगे हुए हैं मेहनत करने ऊपर वाली छत। नीचे तो हमने लगा ली थी टाइल्स, ऊपर वाली छत हमारी ऐसी है क्योंकि मम्मी कह रही है इसमें सीमेंट ही लगा लेंगे, यहाँ तो कुछ इतना खास ज़रूरत नहीं होती। तो सुबह से टिंकू मामा और मम्मी लगे हुए थे इसको पूरा साफ कर। ये देखिए नीचे से पूरी ईंट निकाल दिया इन्होंने साफ साफ करके खुरच खुरच के। अभी नोबिता के लिए बनाने लगा हूँ मैं ऑमलेट। हमारा नॉन वेजिटेरियन तो कई लोग बोलते हैं अंडा वेज होता है, कई बोलते हैं नॉन वेज होता है, मगर अंडा जिस चीज़ के लिए बना है वो बच्चे के लिए बना है। हाँ मगर कई में अंडे में बच्चा नहीं होता, तकरीबन जो आजकल अंडे होते हैं उसमें बच्चा नहीं होता और वो सिर्फ खाने के लिए ही बनाया जाता है, मगर उसमें भी मुर्गी को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो अब मगर क्या है, जीवों का एक सर्कल बना हुआ है ना। अब शेर तो शिकार ही करेगा, वो हिरन ही खाएगा, वो जानवर को ही खाएगा। अब हम ये नहीं कह सकते शेर को कि तू घास खा। अब डॉगियों का जो सर्कल बना हुआ है वो खाते हैं नॉन वेज तो वो खा सकते हैं, मगर हम इंसानों में थोड़ी समझ होती है हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो बस इतना फ़र्क होता है इंसानों और जानवरों में। अभी तक ना बर्तन भी अलग हैं, ऐसा नहीं है ये वही तवा नहीं है। हमारा जो तवा है रोटी वाला वो रहा, ये अलग है। ये नोबिता के बर्तन, नोबिता के चम्मच, सब कुछ अलग है। सबको ना बहुत दिनों से क्रेविंग्स हो रही थी बर्गर खाने के लिए और ये बहुत फेमस बर्गर है पटियाले का, वहाँ से मैं लेके आया हूँ प्रभ के लिए। तो कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी। ब्रब के साथ साथ हम भी खा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत स्वाद। मम्मी तो पूरी खुश रहती है इस चीज में। और ना वो नहीं, मेरे को टाइम भी नहीं था ना, मैं थक गई। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, थक भी गई, अब हो गया लंच ही। हमारा लंच यही है बर्गर आज का, और साथ में लेस चिप्स कुरकुरे जो भी बोलो। और अगर हम ये चिप्स वाला बर्गर लेते तो 10 रुपए रेट बढ़ जाता सीधा ही बर्गर का। इतने चिप्स होते हैं उसमें? हाँ, दो इतने ही होते हैं, तो ये अलग से ला के खा रहे हैं। पैकेट हमारे पास पड़े हैं बहुत सारे, प्रभ को गिफ्ट किए थे और नोबिता ने भी नाई नाई की हुई आज। नोबितड़ी नोबितड़ी कहाँ छुपाओ ना। अरे फिर इसमें कितने, इसमें आप 10 बर्गर बना सकते हो इतने चिप्स में, दो दो पीस तो आते हैं अंदर। और नोबिता ना आके बैठा है यहाँ पे, इसका अंडा भी अभी इसको देना है। नहीं, नहीं, नहीं। को दे, उसको देते मानु को, मानु, मानु बिल्ली को देंगे, तेरे को नहीं देंगे। नहीं नहीं, मानु को देती हूँ, ले मेरे को दे। नहीं 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 नहीं, खाएगा पक्का, खाएगा मानु, सोच ले बाद में, छोड़ा हिसाब लगा लेना। मानु मानु को दे दो, तेरे लिए क्या क्या करना पड़ता है बंदर। दे दो दे दो, नानू को दे दो, नानू को। इसके साथ ऐसे ना खेलो ना, ये छोड़ ही दे चीजों को। ये ना जो वो उनके लिए बिस्कुट लाए, रंग बिरंगे लाए, वो सतकम है, वो कल इतने खा गया सुबह सुबह ही गुस्से से कि उनको दो। हाँ, उसको बसंती आ गई, इसको चिड़मच गई। अब इसको ऐसे नहीं खा रहा, जब तक नहीं खा रहा उच्चा खा रहा, चाट के साफ हो जा रहा, ग्रिप नहीं बनता इसका, पता नहीं क्या चक्कर है। अपना आप खाएगा, तुम नखरे मत डालो। देख कहाँ खा रहा है, अपने आप खाएगा, छोड़ नहीं खाएगा तो खा रहा है वो स्वाद बना रहा है अभी मुंह का। मैं हाथ धो रहा हूँ। दोस्तों हम प्लॉट में आ गए हैं, अभी हम रेता डाल रहे हैं, इसमें रेता लेके जाएंगे फिर। तीन या चार बोरियां में कितने लेके जाएं? चार भर लेते हैं, फिर बोरियां लेके जानी है ऊपर, फिर छत में डालनी है। तो मैंने कहा सामान रख के डाल देते हैं वहाँ पे ना। अभी रेता भरने आए थे कि मेरे दोस्त का कॉल आ गया कि उनकी मम्मी बीमार है, वो अभी मुंबई चला गया है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने दो वीडियो बनाई थी, एक स्कैम वाली, एक चोरी वाली, घर में घुस के चोरी करने वाली, और एक स्कैम वाली बनाई थी ना, वो OTP मांगता है। वो मेरा दोस्त है यादीप और वो मुंबई से कॉल कर रहा है। तो अभी उनका कॉल आया कि मेरे घर में मम्मी बीमार है तो घर में चला जा। तो ये मम्मी के साथ मैं घर में रेता रखवा के साथ ही साथ फिर मैं गाड़ी लेके उस साइड जाऊँ। हमारी स्कूटी इस काम भी आती है, ये देखो रेता ले जाने के लिए सही है। दो बोरियां ऊपर रख दी हैं, दो पीछे रख देंगे, मम्मी बैठ जाएंगे, मैं बैठ जाएंगे, फिर घर ले जाएंगे। ओ जी, चार बोरियाँ हो गई हैं, आधी आधी हैं मगर पूरी भी नहीं है। अब मम्मी पीछे बैठेंगे, चलें। हाँ, ये कैसे ले जाएंगे? ओहो फिर से काम।
मेरे को लगता है ये वाला लीक हो रहा है। हाँ ये लीक हो रहा है नीचे। बाप रे कौन आ गया? ये तो मैंने बढ़िया बना रखा है फिश लेना। भाई इधर से ऊपर को फेंक दे, बस फेंक दे ऊपर है ना, सकता है फेंक दे। हो जाएगा इनमें हो जाएगा इनमें, नहीं होएगा तो साइकिल में ले आएगा जो कम होएगा। हो जाएगा हो जाएगा ये तो। रेता मेरे ना शरीर में घुस गया क्या आप शिमंड रह गया? बस आप शिमंड क्या करे अंदर है बहुत भारी है बेटा ये। बस फेंक दे बस, करी जाओ जो मर्जी करे। यहाँ से चढ़ना ऊपर जाओगे तो ना वो क्या हालत हो गई है। सस्ता और टिकाऊ दिहाड़ी दारू मम्मी का मैं। वो बोरी कितनी होगी सीमेंट की? बहुत होगी, 40 किलो होएगा वो। मैं तो ये भाई मेरे तो चक्के इधर नहीं रखी गया मेरे से, मैं तो बाल्टी तभी रखी थी वहां पर, मेरे का बाल्टी में थोड़ी थोड़ी करके ऊपर चढ़ाऊंगी। मगर आपके जिम का फायदा भी तभी है ना आपके जोर का, अगर कहीं काम आए नहीं तो क्या फायदा ऐसी बॉडी का। मैं इतनी जल्दी ना करता, वो जाना मैंने ना नहाता हूँ जल्दी जल्दी आराम से सांस लेके। गंदे नहा धो के रेडी होके मैं आ गया हूँ अपने दोस्त के घर, और अभी आंटी को पिक करते हैं और लेके चलते हैं हॉस्पिटल। तो आंटी को लेके हॉस्पिटल आ गए हैं, और आंटी के साथ दीदी और मेरे दोस्त के बड़े भाई वो दोनों आए हैं। तो हॉस्पिटल से मैं घर में आ गया हूँ। आंटी जी का ना TLC बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। TLC से क्या होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रही थी पूरे शरीर में। जब मम्मी का भी कंधा दर्द हुआ था ना, उस समय मम्मी का भी TLC बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो उनको शायद थोड़ा वीकनेस हो गई है, ग्लूकोज चढ़ा और थोड़ी सी दवाइयाँ दवाइयाँ दी, और फिर वो थी उनको हम ठीक करके घर ले आए हैं। अभी उनकी दवाइयाँ चलेंगी थोड़े 3-4 दिन और। इधर देखिए प्रभ लगी हुई है खाना बनाने। क्या बना रही हो? तोरी की सब्जी। प्रभ के हाथ की तोरी खाएंगे आज हम। इतना लंबा लंबा ये प्याज काटती हैं, इनको ऐसा ही पसंद है। अगर स्वाद ना बनी ना तो हिसाब लगा लेना अपना। मैं हिसाब में बहुत कमजोर हूँ। अच्छा जैसी बनी होगी खानी पड़ेगी आपको। और ये देखो इसके पीछे दरवाजे के पीछे शनाया भी घूम रही है घर में। क्या कर रही है बेटा, पढ़ाई नहीं कर रही? चाची करवाएंगी, सम समझ नहीं आ रही। अच्छा चाची करवाएंगे, ट्यूशन क्यों नहीं गई आज? ट्यूशन वाली दीदी ने होमवर्क दिया। तो फिर ट्यूशन वाली दीदी से ही करवा लो ना जाके। अच्छा ट्यूशन वाली दीदी के लिए एक और ट्यूशन जो स्कूल वाले करवाए काम वो ट्यूशन वाली दीदी करवाए, जो ट्यूशन दीदी वाले काम दे वो चाची करवाए। ये तरीका है तेरा? और जो चाची काम देगी वो किससे करवाएगी? दीदी से। कौन सी दीदी से? सिन्हा दीदी से। अच्छा वो ट्यूशन वाली से करवाएगी, ऐसे घुमाएगी ये चक्कर। वो भी देखते हैं ब्लॉग। ये दिखा दांत दिखा तोड़ना नहीं है दांत? चलो ठीक है। वो देखो होमवर्क की तैयारी चल रही है। घर में आती इन्होंने एक और काम बता दिया कि दूध लेके आना है, तो मैं दूध लेने जा रहा हूँ। तू भी चलेगी?
हाँ इसको बता फिर कोई ना कोई चीज दिलवा देगा, चांटे दिलवाऊंगा इस बार। शनाया से पढ़ाई हो नहीं रही है और कह रही है मैं बॉडी टॉपर हूँ, सारे सवाल गलत कर रही है ये। हैं? ये बड़े समझ आते। और अनाया क्या खा रही है? मूंगफली। तो मार्केट में मूंगफली आ गई है दोस्तों, अनाया खा रही है। मैं लेके आया था मूंगफली, ये देखिए। अब छत का काम शुरू हो गया है और ये छत के साइडों की दीवारों में ना हमने प्लास्टर करना है पूरा, कि यहाँ से भी नीचे पानी ना आए, ऊपर छत के भी पूरा सीमेंट बिछा दिया जाएगा कि थोड़ी मजबूत हो जाए। यहाँ तो आना कम ही होता है इसलिए हमने यहाँ पे टाइल्स नहीं लगवाए, नहीं तो यहाँ पे लगा देते। वो तो शनाया और नाया उनका वो देख लो वो क्या करने में लगी हुई है। मम्मी के लिए चाय बना दी है प्रभ ने, जो मैं अभी अभी दूध लेके आया था, क्योंकि हमारा दूध वाला आज आया नहीं। वो सुबह वो भूल जाता है भाई साहब, कभी कभी जब नहीं आना होता तब आ जाता है। कल आना नहीं था तो कल आ गया। यहाँ पे मसाला बन गया है, काम शुरू हो गया है, चाय ऊपर आ गई है तो पीजिए चाय। अच्छा ऐसे लगा रहे, वो देखो वो आ गया ना ऊपर मेरे पीछे पीछे। मैं कैसे ऊपर आऊं? मैं कैसे आ, तू बाथरूम मत करना, तो फिर बोलने लगी। 9 में से एक इधर आया, 10 हो गए, 10 में से एक इधर गया, तो यहाँ कितने हो गए? 9 हो गए। अब यहाँ पे कितने हो गए अगर एक इधर आ गया तो? 10 हो गए। अब यहाँ पे 2 में से 2 माइनस नहीं कर सकते। देख ले तेरी बहन पढ़ाई कर रही है, तू भी ऐसे पढ़ाई करेगी। एक इधर चला गया, यहाँ कितने हो गए? 12 में से 2 माइनस किया कितना बचा? 12 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा? 10। तो 10 का 0 यहाँ आ गया। बेटा ऊपर नहीं जा सकते, रिस्की है ना ऊपर, सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जाएंगी तुझसे, छोटे छोटे तो पैर है तेरे, अगर गिर गई तो। यहाँ जाने को कह रही है। जितने कल बजे थे? कल कितने बजे थे? 5:15 होंगे। बस फिर उतने ही आज हुए हैं। दादी 5:15। नन्नू के लिए ये जगह अच्छी बन गई बैठने के लिए, ये देखो पूरा इसके लिए टेबल सा बन गया है। ऊपर जाना है? तू इतनी जिद्दी क्यों है? आपको प्रभ का तरीका बताता हूँ, ये देखो रोटी बनाने का, ये कितनी सारी रोटियां बना दी एक साथ ही है। अब सेकने का काम करोगी अलग से, ये गैस बचाने के लिए ऐसा करते हो कि आपका तरीका ही ये है? गैस को बचाने का तो पता नहीं, मेरे को इजी लगता है ऐसे। अच्छा फिर तसल्ली से गोल गोल। और ये देखो अभी टाइम कितना हुआ है, 5:30 बजे सिर्फ। ओके इतने बजे ये डिनर बनाने लग गए हैं, क्यों? उसके बाद पढ़ाई करनी है और क्लास है मेरी। अच्छा तो आपने सोचा कि पहले ही डिनर बना के फ्री हो जाती हूँ, है? यस। और कोई सब्जी बना दी है उसकी खुशी में कि साथ के साथ खा लूं मैं? यस। अब खीरा काट लो। सीधा पढ़ाई खत्म करके कापियां रख के मेरे पास आ गई है, लूडो खेलो। क्यों भाई क्यों खेलो लूडो, बताओ कोई एक कारण बताओ क्यों खेलें? कोई कारण तो मेरे पास भी नहीं है। हारने के लिए। इन्होंने खुद इतनी जल्दी डिनर करना है, साथ में मैं भी कर रहा हूँ कंपनी देने के लिए। मैं कहा चलो मैं भी बेला हूँ खा के ना, टाइम पे सो जाऊंगा। वाओ ये जो आप देख रहे हो ये मैं खा के आया हूँ रसोई में। एक बाइट आपके सामने लेके बताता हूँ, वैसे देखने में पता लग रहा है बहुत स्वाद है, बाकी मम्मी बताएंगे। आप कह दोगे कि अपनी पत्नी की तारीफ कर रहा है, बाकी मम्मी बताएंगे सच में टेस्टी। तो ये देखिए दीवार में प्लास्टर होने लग गया है, वैसे तो ये उसी समय होना चाहिए था जब घर बना, मगर उस समय बहुत सारी चीज़ें अधूरी छोड़ दी गई पैसों की कमी की वजह से। तो अभी धीरे धीरे चीज़ों को हम दोबारा सेटल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह जो बना हुआ घर है इसी को किस तरह और मॉडिफाई किया जाए। अभी नीचे शुरू करेंगे, अभी तो छत छत का ही कर रहे हैं कि सिलाब से बचें पहले, तो फिलहाल हमारा टारगेट सिलाब है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभ है और मैं यहाँ बेड पे रहती हूँ पढ़ाई के साथ साथ मूंगफली खाती हूँ। मूंगफली खा रही है ये ना, ये हमने एक रील देखी, एक लड़की है बहुत ज्यादा वायरल हुई है इंस्टाग्राम पे, तो वो वैन पे रहती है और वो ऐसा उसका बोलने का एक्सेंट इस तरह है, दोस्तों मैं उठ गए हूँ। नहीं वैसे नहीं,
नमस्कार दोस्तों, मैं उठ गई हूँ और सबसे पहले मैंने अपने बाल भाई ऐसे बोलती बाल भाई और आज मैं बनाना बनाने लगी हूँ। बनाना को हिंदी में केला कहता है। अच्छा है, सभी का अपना अपना कंटेंट है। हाँ जी मम्मी, रघु गया कि नहीं गया? कहाँ घूमने? नहीं अभी तो नहीं गया। चलिए नहीं जाना, नहीं जाना। ये देखिए मम्मी कढ़ाई लेके ही बैठ गई है। मम्मी से पूछते हैं कैसी बनी है, कैसा टेस्ट है? स्वाद बनी। स्वाद बनी है? आपकी जैसी बनी है कि नहीं बनी है? बनी है। क्या आपसे अच्छी बनी है? अच्छी बनी है। अच्छी बनी है। उधर से प्रभु सुन रही है ध्यान से, देखो बेकार से बनी है। बेकार बनाई प्रभु तुमने? हाँ। अच्छा, आलू भी नहीं पाए? आलू भी नहीं डाले, बेकार बनी है। अच्छी बनी है जी। अच्छी बनी भी, अच्छी बनी है। चटनी जैसी, चटनी जैसी। चलो मैं नोबिता को घुमा के लाता हूँ, चलना प्रभ आज थोड़ा सा घूम के आते हैं बाहर। देखो सिम्बा जा रहा है, मुफासा साथ में घुमाने जा रहा है इसको। इन बिल्लियों की हरकत दिखाता हूँ आपको। खाती हमारे घर में है उस साइड, और यहाँ पे टॉयलेट करने हमारे दूसरे प्लॉट में आती हैं, मतलब हम दोनों के। ये देखो भाग रही, देखिए आपने, अभी आपको आगे जाके दिखाता हूँ। ये देखो ये दोनों बिल्लियाँ यहाँ पे आती। इनकी 8:30 बजे से क्लास शुरू थी, अब ये देखिए 11:30 बजे टेस्ट चल रहा है इनका, और मेरे को भी नहीं सोने दे रही, खुद टेस्ट दे रही है यहाँ पे। दोस्तों आज का पूरा दिन हॉस्पिटल्स और कामकाज में निकल गया। तो ये वीडियो, ये ब्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। और आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है आप सभी को। तो जय हिंद।